How are you? The Diya is just coming. Yeah, you wear some, this one. Would you always wear that? Cool factor. मुझे लगा डायरेक्टर के बारे में कह रहे हैं. He's saying this. So I thought you all know. No, they started in the morning. They were talking about the poster. No, should they? Must be doing some like leftover stuff. There will be very nice stands. Okay. Just the standing. I'm having honey in water. Yeah? Ginger juice? But that is very good. That is very good. Honey is around there, isn't it? Oh, okay. Is there sufficient space? Yeah. That's good. Sit down and sit. Come in. Start up. I think हर मामले में लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं. तो obviously जासूसी भी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा करती हैं. I think we have a better instinct. This is a Bobby जासूस line. अरे. It's not fair. पर सच बात है ना. It's true. हर चीज़ में लड़कियाँ आगे हैं. ये सब जान चुके हैं, ये सब मान चुके हैं. They are clearly outnumbered right now. I don't know whether we will survive. दे दे नहीं. You know, this friend of mine had a crush on this guy from college, and she was really awkward. She didn't want to go and speak to him. He was thrice her height, and she just kept telling me, "You're not doing anything for me. You're not doing anything for me." So I actually went, and he was our senior. I went and just befriended him and just had a random conversation and all that, and thought I was being really smart. Basically to find out if he was seeing anyone or if he had a girlfriend, or you know, by the end of it, what ended up happening? He ended up liking me. So I think that's the only thing that I can think of offhand. Befriend the person. पहले तो जाके दोस्ती जमा लो, या फिर एटलीस्ट एक तरह से फेमिलियरिटी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से. फिर बहुत पहले बात करो कि अच्छा बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उस तरह के बहुत रैंडम सवाल. तो आप ट्रेन से आते हैं कि दूर रहते होंगे, कहाँ? ओ अच्छा अच्छा उस तरह से सवाल पूछ लो और सब पता कर लो. ये और कान, नाक और आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए. They're the same for everything. Bobby जासूस सिर्फ जासूसी जानती है. You know it's interesting, जब हम real जासूसों से मिले, जब और ये बात का एहसास हुआ कि private detectives या ये जो जासूस हैं, वो ज़्यादातर relationships के ही problems को लेकर solutions खोजते रहते हैं. तो love is a part of it ना. You want me to do your you need Bobby to help you with something. अभी अगर बात करें कि ये
ये जो सब्जेक्ट है इस पे सिर्फ हीरोज ही काम किया करते थे, आमतौर पर आप हीरोइन जो है विलन के पास से खबरें निकाल के लाके हीरो को दे देती थी रोल, लेकिन आपको जब ये पूरा सब्जेक्ट जब हीरोइन के ऊपर बनाना था आपको लगता है ये वर्क करेगा? और दूसरी बात, प्रोमो में भी ये दिखाया जा रहा है कि डैडी मना कर रहे हैं कि जासूसी उससे नहीं चलेगा, तो आपको क्या कहना, मतलब ये काम करेगा हीरोइन को जासूसी? आई थिंक देश एक ऐसे मोड पर है जहाँ पर हमें हम सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारा नज़रिया औरतों को देखने का उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हम निर्देशक हैं, फिल्म मेकर्स हैं, हमारा जो नज़रिया है फिल्म को लेकर और औरतों का जो किरदार है फिल्म में उसको लेकर, उसमें हम थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही रही है कि एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ बनाएं जो मज़ेदार हो, एक फैमिली एंटरटेनर हो, सबको पसंद आए और एक खुश मिजाज कैरेक्टर हो जो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग नहीं है। जो एक हमेशा हमने नोटिस किया है कि लड़की का किरदार या तो कैटलिस्ट होता है फिल्म में या एक ड्रेसिंग होती है फिल्म में, और फिर अगर फीमेल सेंट्रिक फिल्म हो तो वो एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट होती है या कुछ ड्रामेटिक होता है या कुछ सीरियस होता है। हमने बहुत कम ऐसी हिंदी फिल्में देखी हैं आज के दौर में जहाँ पर लड़की को लेकर एक कमर्शियली अपीलिंग फैमिली एंटरटेनर और फिल्म फॉर एवरीवन बनाया गया हो। तो हम ये नहीं जानते, हमारी इच्छा यही है कि सबको पसंद आए फिल्म। हमें इस बात का यकीन है कि जितना हमारे लिए ये एक्सपीरियंस मज़ेदार रहा है उतना ही देखने वाले को भी मज़ेदार लगे। और विद्या बालन जब फिल्म में हो तो ये सवाल कोई नहीं पूछता। हाय हाय जिस तरह से आप विद्या बालन बोले मैं डर गई। इट्स हैवी, इट्स लाइक अ हैवी मेड नेम। कनेक्शन भी है और ये आपको कुछ, आप दोनों का ये बंगाली कनेक्शन कहीं वर्क किया फिल्म के दौरान? हमारा बंगाली कनेक्शन तो एक्चुअली है इन अ स्ट्रेंज वे, तो हमारे कॉमनलिटीज हैं प्रदीप सरकार, परिणीता शांतनु मोइत्रा, स्वानंद किरकिरे को तो बंगाली बोल ही सकते हैं हम। शांतनु के साथ काम करके वो भी आधा बंगाली हो गया। लगे रहो मुन्ना भाई, राजू हिरानी और रायमा सेन और सैफ अली खान। और क्या है हमारे कॉमनलिटीज? बंगाली मिष्टी और अब बॉबी जासूस। नहीं पर जासूस जासूस की तो करते रहते हो, करते हैं जो आप जवाब देते हैं हम उसे रिपोर्ट करते हैं। बट व्हाट आई वांटेड टू नो इज कौन से आपके को एक्टर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड से जो जैसे आपने अपनी फ्रेंड के लिए किया वो करते हो किसी के लिए और चीजें ऐसे पता करते हो, गॉसिप बताते हो आपको? ये कल बताएंगे, कल बताएंगे ना। जासूस ऑफ बॉलीवुड कौन है जो आगे सबसे ज्यादा गॉसिप बताता है सेट पे या ऐसी चीजें करता है कि ये ट्राई करे? लड़के सबसे बड़े गॉसिप होते हैं वैसे। हाँ, ये एक मिस नोमर है कि लड़कियां गॉसिप। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि लड़के बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, पॉलिटिक्स भी वही ज्यादा खेलते हैं। सुनती तो लड़कियां ही है ना, बैठ के पूरा घेरा लगा के ऑल द गर्ल्स लिस्टिंग। दैट्स हाउ दैट्स नॉट ट्रू, आई हैव सीन ऑल यू बॉयज गॉसिप। You're still waiting for a name? But I'll tell you what, I don't think about gossip and all, but मैं कहूँगी कि जासूसी नहीं, मैं ये कहूँगी कि अक्षय कुमार जो है बहुत ही शार्प हैं, वो बिना देखे सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ भांप लेते हैं। हम लोग शूटिंग के दौरान आई रिमेम्बर कि मैं पीछे से जाके उनको डराने की कोशिश कर रही थी, लगा कि उनके आँख सिर के पीछे आँखें हैं, वो बिना देखे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो उस तरह से बहुत कुछ वो करते हैं। आई थिंक ही इज वेरी वेरी शार्प, एज शार्प एज बॉबी मे बी। I love this one. ये वो, those are all her personalities in the film and बहुत अच्छी अच्छी लुक्स हैं, थोड़ी डरावनी भी हैं, थोड़ी क्यूट सी हैं। I'll go with this. Yeah. And reportedly you have signed
signed on Homeland. How true is that? No, it's not true at all. Please, I have not signed on Homeland. Ek kafi hai. I'm done with my Hollywood stint. So yeah. Actually, हाँ, टीवी पे एक शो आता था करमचंद और जासूसी के मायने मुझे उसी फिल्म से समझ में आए. करमचंद किटी को हमेशा बोलते रहते थे शट अप. मुझे लगा वही जासूसी का मतलब वही है. बोलना शट अप समर. I think my director is going to answer that question. What? Summer Sheikh. Yeah. Which teams are you rooting for? Brazil. Come on, you all can way, answer this question. I'm rooting for Brazil because it has the hottest players. That's what Dia told me. I'm not into football at all. I'm rooting for Germany. Okay, any favorite players? Lots of favorites, but it's Vidya particularly likes one name, so I'm going to take it, Messi. I think everyone I is just how. Looking forward to Messi, yeah? Yeah. He's quite messed up in the World Cup, so let's hope he does well, yeah, I guess. क्या आपने ऐसा कुछ कहा कि मतलब 10 महीने में 10 बार प्रेग्नेंट होने की बात कही है? ओ अच्छा, उस तरह से. हाँ, मैं कह रही थी कि गांधारी ने तो 100 बच्चे पैदा किए. जिस तरह से मीडिया कहती रहती है कि मेरे हर महीने बच्चे होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ कि शायद उनका नंबर भी मैं पार कर जाऊँ. ऑलरेडी पार कर चुकी शायद. आप बताइए. थैंक यू सो मच. मैं बेहतर की बात तो नहीं कर सकती, पर ये जरूर कहूंगी कि बॉबी नंबर वन है. और थैंक यू. बॉबी पहले आ रही है. थैंक यू. थैंक यू. सेकंड टाइम इन 3 वीक्स. Thank you. Yeah. One solo.
किस पे